हेलो दोस्तों, कल मैं इंदौर के एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने गया था। वहां मैंने बहुत कुछ देखा, उसी के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो सुनिए, जैसे मॉल में बहुत से लोग आना जाना कर रहे थे, सुरक्षा कर्मी प्रवेश द्वार पर सबकी तलाशी ले रहा था। कुछ लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, कई लोग ऑटोमेटिक सीढ़ियों से उतर रहे थे। सफाई कर्मचारियों ने काली टी शर्ट पहनी हुई थी, महिलाएं खरीदारी कर रही थी, कुछ लोग बस यूं ही घूम रहे थे, बच्चे वहां लगे खिलौनों से खेल रहे थे, कई युवा वहां मूवी देखने आ रहे थे, कुछ लोग मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खा रहे थे, वहां पानी का नकली झरना बह रहा था और बुजुर्ग लोग उसका लुत्फ उठा रहे थे। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा ही खुशनुमा लग रहा था, इत्यादि इत्यादि। आपने देखा होगा कि बताई गई सभी परिस्थितियों में वाक्य खास शब्द पर समाप्त हुए। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी आदि। बस यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि जो भी वाक्य इन शब्दों पर समाप्त होते हैं वे सभी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के तहत आते हैं और बताते हैं कि भूतकाल में किसी समय पर कहीं कोई क्रिया चल रही थी। परिभाषा, कोई क्रिया जारी थी अथवा कोई किसी समय पर क्या कर रहा था या किसी समय पर कहीं क्या चल रहा था, यह बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी इत्यादि पर समाप्त होते हैं वे सामान्यतः इस टेंस में आते हैं। वाक्य में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वॉज हेल्पिंग वर्ब का, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो व का प्रयोग किया जाता है। अब हम वाक्य की संरचना को समझेंगे। रूल वन, सिंगुलर एकवचन सब्जेक्ट के साथ वाक्य बनाना। किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते समय हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग होता है और क्रिया का चौथा रूप उपयोग कर वाक्य पूर्ण किया जाता है। इसकी वाक्य संरचना है सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस वॉज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उदाहरण एक, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य सामान्य नियमों के साथ ही बनेगा जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, जहां ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब है जो खेल का अंग्रेजी शब्द है। इस क्रिया में आईएनजी लगाकर उसका फोर्थ फॉर्म बनाकर प्लेइंग का वाक्य में उपयोग किया गया है। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। उदाहरण दो, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, नॉट का प्रयोग किया जाता है। वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड।
जहां ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट अर्थात नहीं है, प्लेइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। रूल टू, प्लूरल, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वाक्य बनाना। किसी भी प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट का प्रयोग करते समय हेल्पिंग वर्ब व का प्रयोग होता है और क्रिया का चौथा रूप उपयोग कर वाक्य पूर्ण किया जाता है। इसकी वाक्य संरचना है सब्जेक्ट प्लूरल प्लस व प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो कर्ता बहुवचन प्लस सहायक क्रिया व प्लस मुख्य क्रिया का चौथा रूप प्लस कर्म प्लस अन्य जानकारी। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू वी दे या पीपल आदि के साथ इस तरह के वाक्य बनेंगे। यू वी दे या पीपल प्लस व प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उदाहरण एक, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य सामान्य नियमों के साथ ही बनेगा जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। हम संगीत सीख रहे थे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा वी वर लर्निंग म्यूजिक, जहां वी सब्जेक्ट है, व हेल्पिंग वर्ब है, लर्न वर्ब है जो सीखने का अंग्रेजी शब्द है। इस क्रिया में आईएनजी लगाकर उसका फोर्थ फॉर्म बनाकर लर्निंग वाक्य में उपयोग किया गया है। म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। उदाहरण दो, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं अर्थात नॉट का प्रयोग किया जाता है। हम संगीत नहीं सीख रहे थे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा वी वर नॉट लर्निंग म्यूजिक, जहां वी सब्जेक्ट है, व हेल्पिंग वर्ब है, नॉट अर्थात नहीं, लर्निंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है।